स्वागत है आप सभी का आपके और मेरे चैनल टेक विद क्रिश में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि YouTube पर हमें 1 मिलियन यानी 10 लाख व्यूज का कितना पैसा मिलता है। तो दोस्तों वीडियो होने वाली है नॉलेज से भरपूर, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का शुभारंभ। दोस्तों अगर आप YouTube पर वीडियोस बनाते हैं या फिर आप YouTube पर चैनल खोलना चाहते हैं तो एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा, वो ये है कि आखिर आपको YouTube पर कितना पैसा मिलता है, मतलब YouTube हमें एक व्यू का कितना पैसा देता है। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप YouTube पर पैसा कमाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको YouTube की दो शर्तों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि पहले आपको YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने पड़ेंगे और साथ ही साथ आपको YouTube पर 4000 घंटे का वॉच टाइम या कह लीजिए 2,40,000 मिनट का वॉच टाइम कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही आप अपने चैनल को एडसेंस से कनेक्ट करके अपने चैनल को रिव्यू पे भेजते हैं और जब YouTube आपके चैनल को वेरीफाई कर देता है तभी आप YouTube से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जब तक YouTube आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन को इनेबल नहीं करेगा तब तक आपकी वीडियो पे एड्स रन नहीं करेंगी और आपकी वीडियो YouTube पर पैसा नहीं कमाएंगी। अब दोस्तों जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, मतलब जब आप अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन इनेबल कर ले, इसके बाद आपकी वीडियो पे एड्स रन करना शुरू कर देती हैं और आप अपनी वीडियो से YouTube पर पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों YouTube पर जो हमें पैसा मिलता है वो व्यूज़ के हिसाब से नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों जब तक आपकी वीडियो पे एड्स रन नहीं करेंगी तब तक चाहे आपकी वीडियो पे कितने मिलियन व्यूज़ क्यों ना आ जाए आप YouTube से एक रुपया भी नहीं कमा सकते। तो इसीलिए YouTube पर जो हमें पैसा मिलता है वो व्यूज़ का नहीं एड्स का मिलता है, मतलब जितनी ज़्यादा एड्स आपकी वीडियो पे रन करेंगी उतना ही आपकी वीडियो YouTube पर पैसा कमाएगी। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी एक वीडियो ने हाल ही में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस किए हैं और दोस्तों उसी वीडियो की अर्निंग मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। अब दोस्तों मेरी उस वीडियो ने कितने व्यूज बनाए और कितनी ज्यादा अर्निंग की उसे दिखाने के लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहां दोस्तों मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो खोल लिया है, साथ ही साथ दोस्तों मैंने अपनी उस वीडियो की एनालिटिक्स भी ओपन कर ली है। अब दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको व्यूज़ दिखाऊं तो यहाँ दोस्तों लाइफ टाइम व्यूज़ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 11 लाख के आसपास व्यूज़ आ चुके हैं, मतलब लगभग 1.1 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। अब दोस्तों इसमें जो 1,69,000 व्यूज़ हैं वो मेरे चैनल पे मोनेटाइजेशन इनेबल होने से पहले आ गए थे, मतलब 1,69,000 व्यूज़ पे मुझे एक भी रुपया नहीं मिला था। तो यहाँ जो आप अर्निंग देखेंगे वो 1 मिलियन व्यूज़ की देखेंगे। अब दोस्तों व्यूज़ आपने देख लिए, अब हम बात करेंगे अर्निंग की। तो यहाँ दोस्तों मैंने अपना रिवेन्यू खोला है और यहाँ पे दोस्तों मैं लाइफ टाइम रिवेन्यू खोलूँगा। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी इस वीडियो ने लगभग 1 मिलियन व्यूज़ में $295 कमाए हैं। अब दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आखिर $295 इंडियन रुपीज़ में कितने हुए, तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं $295 हो गए लगभग 21,600 रुपये के आसपास, मतलब मेरे 1 मिलियन व्यूज़ में मुझे YouTube की तरफ से 21,000 रुपये मिले हैं। तो इससे दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि YouTube पर आपको पर व्यू कितना रुपया मिलता है। तो दोस्तों वीडियो की अर्निंग देख के तो आप समझ गए होंगे कि YouTube पर आपको कितने व्यूज़ का कितना पैसा मिलने वाला है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि व्यूज़ से वीडियो की अर्निंग का कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे आपकी YouTube की अर्निंग पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब दोस्तों पहली चीज़ जिससे वीडियो की अर्निंग पर इफ़ेक्ट पड़ता है वो है वीडियो का कीवर्ड। अब एग्जांपल के लिए जो मैंने आपको वीडियो दिखाई उसमें जो कीवर्ड होगा वो होगा इंस्टाग्राम स्टोरी। ऐसे दोस्तों जिस कीवर्ड पे एडवर्टाइज़र ज़्यादा पैसे पे करेगा और उस कीवर्ड को अगर आप अपनी वीडियो पे यूज़ करते हैं तो उस वीडियो पे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा कीवर्ड यूज़ किया जिसमें एडवर्टाइज़र ज़्यादा पैसे नहीं पे कर रहा तो उसमें चाहे आपके मिलियन में व्यूज़ क्यों ना आ जाए उस वीडियो में आपकी काफ़ी कम अर्निंग होगी। अब दोस्तों दूसरी चीज़ जिससे आपकी वीडियो की अर्निंग पर इफेक्ट पड़ता है वो ये है कि आपकी वीडियो कौन सी कंट्री में देखी जाती है। अब दोस्तों अगर आपकी वीडियो अमेरिका, लंदन, दुबई जैसी कंट्रीज़ में देखी जाती हैं तो इससे आपकी वीडियो ज़्यादा पैसे कमाती है एज़ कम्पेयर टू वो वीडियोज़ जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसी कंट्रियों में देखी जाती है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका, लंदन जैसी कंट्रीज़ में जो एड्स का रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है।
तो पहली चीज, अगर आपकी वीडियो में कोई ऐसा कीवर्ड है जिसमें एडवर्टाइजर ज्यादा पैसा लगा रहा है तो आपकी वीडियो ज्यादा कमाई करेगी। और अगर आपकी वीडियो किसी ऐसे कंट्री में देखी जाती है जहां पे एड्स का रेट हाई है, तब भी आपकी वीडियो ज्यादा अर्निंग करेगी। इसीलिए YouTube पे जो अर्निंग होती है वो हर यूट्यूबर की अलग अलग होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गया हो कि YouTube पर आपको 1 मिलियन यानी 10 लाख व्यूज का कितना पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपका यह पसंद, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा कल फिर एक नई वीडियो एक नए अपडेट के साथ। तो चलता हूँ, जय हिंद और वंदे मातरम।